तो क्या जो काम आपने 2012 तक किया, क्या वही काम अभी हो रहा है? क्या उसी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहे। आज हमारा बिहार बहुत पीछे चला गया है, हमसे बहुत पीछे। जो बिहार था वो देखिए कितना आगे निकल गया। आप बगल में झारखंड चले जाइए, हमारे बिहार से अलग हुआ राज्य है। आप झारखंड जाकर देखिए, शहर जाकर घूम के देखिए, वहाँ की योजना देखिए, वहाँ का काम देखिए, हमसे बेहतर बिहार से बेहतर कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे भी बेहतर काम हो रहा है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा। यहाँ पे तो सिर्फ हमें मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसलिए साथियों, बिहार में विकल्प देने की आवश्यकता है, लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। एक किरदार में लालू जी के सुपुत्र भी हैं, जो सोने का चम्मच लेके जन्म लिए हैं। उनको अकेले बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, अकेले राज करना है। और मेरा सपना है हम सब मिलकर बिहार को चलाएं। एक हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री पासवान जी के सुपुत्र हैं, जो गरीबी कभी देखा ही नहीं, गरीबी को एहसास ही नहीं है कि गरीबी क्या होता है। जब उनका पार्टी टूटा है तो अभी बिहार में घूम रहे हैं, और जब पार्टी जब तक नहीं टूटा था तो उससे पहले उनसे मिलना मतलब भगवान से मिलना जैसा था। और वो भी लाइन में है, और हम भी एक लाइन में है। मछली मारने वाले का बेटा भी है, संघर्ष करने वाले हैं, और जिसमें जितना दम होगा, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा पाएगा, वो बिहार के ऊपर कुर्सी पर बैठेगा, बिहार की जनता के लिए काम करेगा। ये तो किरदार निभाने का समय है। जो जितना बेहतर आप एग्जाम में जाएंगे, जो जितना बेहतर लिखेगा, उतना उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा, और अच्छा नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आज हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष करने के लिए निकले हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लोगों के लिए, पार्टी का विचारधारा गाँव गाँव तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। ये हमारा किरदार है। इसलिए हमारे पार्टी में जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी साथी से कहूँगा कि मजबूती से पार्टी से काम कीजिए। पार्टी कभी कोई एक जाति का नहीं है, पार्टी हर जाति धर्म के लिए है, किसी एक जाति का नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि वीआईपी पार्टी का रील का जो हड्डी है वो निषाद समाज है, क्योंकि उन्हीं के सहयोग से उन्हीं के हक अधिकार के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ। और जब पार्टी का निर्माण हुआ तो अभी बिहार के बारे में सोचा, बिहार के बारे में काम करना है। आपने देखा होगा हमें 11 सीट मिला, हमने हर जाति धर्म को हमने जगह बनाया, हमने अति पिछड़ा को टिकट दिया, जिसको आजादी से लेकर आज तक कुम्हार समाज को कभी किसी ने टिकट नहीं दिया, ऐसे समाज को हमने टिकट देने का काम किया। लखनलाल पंडित को हमने किशनगंज से टिकट देने का काम किया, हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने भूमिहार को टिकट दिया, हमने राजपूत को टिकट दिया, दो दो टिकट दिया, हमने पासवान समुदाय को टिकट दिया, हमने बनिया समुदाय को टिकट दिया। तो हर जाति धर्म को हमने टिकट दिया, और फिर वोट भी हर जाति धर्म का मिला, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमने बहुत चलाकी से हमारे साथ लेकर 74 विधायक बना लिए, एनडीए 131 बना लिए। जब 4 विधायक हमारा हुआ तो वो हमारे 2 का खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस समाज को 75 आज़ादी का हो गया, और अपने पैरों तले दबा के रखा हुआ था, गुलाम बना के रखा था। उनको एहसास हुआ कि ये गुलाम आज मालिक बन रहा है, ये कल तक टिकट मांगता था, आज बिहार में टिकट बांट रहा है, तो उसको हजम नहीं हुआ। और इसलिए उन्होंने आज हमारे साथ गलत किया है, लेकिन समय आएगा, हम लोग भी मेहनत करेंगे, गांव-गांव में घूमेंगे, और एक समय आएगा उनको हम जवाब देंगे। और किरदार तब जाके खत्म होगा जब उनको हम जवाब देंगे। इसलिए साथियों, आज पार्टी में हमारे आलोक पटेल जी के द्वारा बहुत सारा युवा साथी आप लोग आए हैं, आप सभी का स्वागत है। पार्टी के सुचिंतक, पार्टी के सभी साथी, आज जरूरी है, 4 नहीं, कल तक तो हम लोग सोचे पार्टी बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, सरकार में आएंगे, लेकिन ये सब हम करके देख लिए, लेकिन ये सब करके भी आपका जो मंजिल है वो प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि दुश्मन आपसे बड़ा है। अब जरूरी है 4 नहीं 40 बनाने का, और 40 ऐसे लोगों को बनाने हैं, ऐसे विचारधारा वाले को बनाना है जो आपके पार्टी के साथ रहे। उस समय भी हमारे पास मजबूरी था, एंड टाइम पे सीट मिलता है, हमसे कोई जाति जुड़ते नहीं है, और फिर हम टिकट किसको दे? इस बार हम लोग चुन रहे हैं,
पूरे बिहार में कोने कोने में घूम रहे हैं। जो व्यक्ति में ऊर्जा है ऐसे लोगों को कहते हैं कि पार्टी में काम कीजिए, समय आएगा तो आपको मौका देंगे। लेकिन आज जरूरी है पहले आपको काम करना। आज आप काम करेंगे आज 11 सीट पर झुका, कल होगा 51 सीट देना पड़ेगा। आप बताइए आज बिहार में जिसके पास 1% वोट नहीं है कांग्रेस पार्टी को, उसको 70 वो सीट मिल जाता है। और हमारे पास आपने देखा बोछा में, आपने बोछा में देखा कि भारतीय जनता पार्टी निर्णय लिया कि हमारे सीट पर जबरदस्ती कैंडिडेट उतार दिए और चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया। पूरी NDA पूरी शक्ति लगा दिया, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया और अपनी शक्ति को दिखाया। पूरे NDA मिलकर 45,000 वोट लाया और हमने अकेले अपने संगठन अपने लोगों के दम पर हमने लड़ाई लड़ी और वो 45,000 वोट लाए और हमने 30,000 वोट ला के दिखाया। हमने दिखा दिया कि बिहार में हम 18% वोट हमारे पास है, सिर्फ हम बोलते नहीं है हमारे पास है। राज्य में अगर 36% में सरकार बनना है तो 36% का आधा 18% हमारे पास है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो VIP पार्टी को डिप्टी CM बनाना पड़ेगा, तब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं तो सपना देखना छोड़ दीजिए। कोई भी चाहे NDA हो या UPA, अगर आपको सरकार बनाना है जब तक बिहार में अति पिछड़ा समाज और निषाद समाज और VIP पार्टी का समर्थन नहीं होगा तो आपका सरकार नहीं बनेगा। आज हमने अगर NDA में नहीं जाते तो आज NDA की सरकार नहीं बनता, ये हमने साबित कर दिया। और दो बार उपचुनाव में हमने वोट ला के दिखा दिया कि VIP पार्टी के पास निषाद समाज का वोटर ही नहीं कार्यकर्ता बन चुका है निषाद समाज। वो एक एक वोट लेना जानते हैं और एक एक वोट लेते भी हैं और दूसरे से 10 को वोट लेने का भी काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ओछा में हमारे पास 22,000 वोटिंग कैपेसिटी है पोलिंग करने का और हमने 22,000 के जगह 30,000 वोट आया, तो कहीं ना कहीं 8,000 वोट हमें एक्स्ट्रा मिला। और 8,000 एक्स्ट्रा मिलने के बाद समझिए कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी ने खून पसीना बहाकर मेहनत करके पार्टी में इतना वोट। नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन करें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, चैनल को प्यार और देते रहिए अपना साथ। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।